सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर सनियम भारद्वाज जी की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि एग्जाम्स को होम बोर्ड किया जाना चाहिए। होम बोर्ड के साथ साथ आप लोग के कई सारे कमेंट्स इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के जो कंट्रोलर है सनियम भारद्वाज ने बोर्ड को लेकर सबसे बड़े जो है उन्होंने जवाब दिए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जो सीबीएसई बोर्ड 2021 की जो परीक्षाएं होगी, क्लास 10 एंड 12 की जो कॉपियां चेकिंग होगी, काफी इजी होने वाली है या काफी हार्ड होगा। यानी इजी और हार्ड को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट जो है जवाब उन्होंने बोर्ड के छात्रों को दिया है, और साथ साथ बताया है कि इस बार जो 10वीं 12वीं के छात्र हैं उस बार पासिंग परसेंटेज इस बार इंक्रीज हो सकते हैं। कई सारे संकेत हैं जो सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर सन्यम भारद्वाज ने दिए हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपको पता है पूरे देश भर में छात्र जो है लगातार जो है देश में केसेस का आंकड़ा बढ़ने लग गया है, और केसेस का आंकड़ा को अनुमान इस तरीके से लगाया जा सकता है कि सितंबर अक्टूबर में जो केसेस आ रहे थे पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वही सेम सिचुएशन आज भारत में रिकॉर्ड स्तर पे अपना जो है रिपोर्ट दर्ज करवा चुका है। यहाँ पे देखिए कोविड-19 का जो है 81,000 क्रॉस कर चुका है। ये उस समय का हाईएस्ट केस था जब देश में अक्टूबर और आपका सितंबर अक्टूबर का वक्त था, पूरा देश जो है बंद था लॉकडाउन में। तो यानी कि सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि देश में सेकेंड लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि एग्जाम्पल एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन लगाते हुए पूरे देश भर के 10वीं-12वीं छात्रों की चिंताएं को बढ़ा दिया है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं मई में होने वाली है, छात्र लगातार चिंतित हैं। बोर्ड एग्जाम्स की परीक्षाओं को लेकर छात्रों की लगातार खबरें आ रही है पॉजिटिव होने की। कोविड जो है काफी तेजी से भारत में इंक्रीज हो रहा है, उसका नतीजा देख लीजिए। कोविड के वायरस को इंक्रीज होते हुए यानी जिस तरीके से तेज बढ़ रहे हैं, और देश में जो है सेकेंड वेव जो है वायरस का लौट रहा है, तो इसी को देखकर हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। यह सबसे बड़ी खबर है जो क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, 10वीं 12वीं के छात्रों को जानना चाहिए। स्कूल जो है 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड के जो कंट्रोलर है उन्होंने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को जो है लगातार सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में उठ रहे हैं होम बोर्ड को लेकर, पोस्टपोन को लेकर मांगे उठ रही है। लेकिन इसी बीच जो मीडिया ने इस सवाल को भी उन्होंने मीडिया है जो देश की यानी कि बात के जो सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर के सामने रखे कि इस बार अगर बोर्ड की परीक्षाएं होगी तो क्या इस बार कॉपियों को लीनियंट चेकिंग की जाएगी, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है और ऑनलाइन का सिचुएशन पूरे देश में ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है कि ऑनलाइन में कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई है, तो कॉपी लीनियंट चेक होगी। इसको लेकर सीबीएसई बोर्ड के सनियम भारद्वाज ने कहा कि कॉपियां जिस तरीके से ऑलवेज चेक होती है मार्किंग स्कीम, जैसे कि पता होगा सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपियां चेक होती है एज पर मार्किंग स्कीम होती है, यानी कि हर एक आपके जो है हर एक लाइन के आपको जो मार्क्स सीबीएसई बोर्ड आपको प्रोवाइड कराती है, यानी कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट के 5 मार्क्स होते हैं, और हर एक जो है यानी कि फॉर्मूला लिखने के अलग मार्क्स, फॉर्मूला पुट करके छोड़ेंगे तो वहां पे एक मार्क यानी मार्किंग स्कीम के तहत मार्क्स दी जाती है। तो टीचरों को सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शन नहीं देती है कि कॉपी को आप जो है हार्ड चेक करिए या टफ चेक करिए या इजी चेक करिए। सीबीएसई बोर्ड ऑलवेज जो है मार्किंग स्कीम के तहत कॉपी चेक करती है, ये सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर ने कहा। साथ साथ लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो है यहाँ पे साफ साफ एक और सवाल पूछा गया कि अगर कोई स्टूडेंट जो है एग्जाम्स के दौरान पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या वो आगे की परीक्षाओं को दे सकेगा। तो इसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है, इफ एनी स्टूडेंट्स अनेबल टू अपीयर फॉर एग्जाम्स ड्यू टू हेल्थ रीजन के कारण, अगर कोई भी छात्र जो है आगे की यानी कि एग्जाम्स के दौरान अगर पॉजिटिव पाया जाता है और आगे की परीक्षाएं नहीं दे पाता है तो उसे जो है अनदर चांस के बारे में भी यहाँ बड़ी अपडेट जो है सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर ने क्लियर किया है। वहीं छात्र जो है लगातार एग्जामिनेशन को पोस्टपोन और होम बोर्ड को लेकर मांग कर रहे हैं। कई सारे कमेंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा होम बोर्ड को लेकर है, लगातार छात्र इस तरीके से मांग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे छात्र हैं, यहाँ पे हर एक देख सकते हैं आशुतोष पांडे हैं जिन्होंने साफ साफ कहते हैं कि होम बोर्ड होना चाहिए छात्रों को लेकर जो है, और आपके कई सारे विशेषज्ञ और सीबीएसई बोर्ड के प्रिंसिपलों ने भी ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड को सजेस्ट कर रखा है कि होम बोर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में सबसे सेफली एग्जाम कराने का एकमात्र तरीका है होम बोर्ड किया जाना चाहिए। रिस्की है स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ को लेकर, लगातार जो है यहाँ पे कई सारे दिनेश हैं, उत्कर्ष हैं, हर एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे कमेंट आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और होम बोर्ड को लेकर यहाँ पे किस तरीके से कमेंट्स है, तो सारे कमेंट्स को आप देख सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग भी नीचे कमेंट करिए, आपके कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका शॉर्ट लिस्ट करके दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से होम बोर्ड को लेकर या एग्जाम्स को पोस्टपोन करने को लेकर जो आपके राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अभी के चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।